डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वीडियो के पश्चात आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर आधारित कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस पर आधारित है जिसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, जिसमें हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियमों को पढ़ा है, समझा है, यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने दोनों वीडियो के लिंक इस आई बटन में दिया है, जिसे आप क्लिक करके पहले जरूर देख लें। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की इस एक्सरसाइज में आप एक डायरेक्ट सेंटेंस या डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में बदलना सीख जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यह प्रेजेंट टेंस पर आधारित है जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस, राहुल सेड टू मी आई एम रीडिंग ए बुक नाउ। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस दिए होते हैं और इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें मुख्य मुख्य चार या पांच बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्वेश्चंस के दो पार्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहला हमारा जो चेंज होगा वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को बदलना। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच यानी दोनों सेंटेंस के बीच में कंजेक्शन का प्रयोग करना या कनेक्टिव वर्ड लगाना, जिससे दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ जाए। उसके बाद प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन, फिर टेंस संबंधित परिवर्तन, और उसके बाद कुछ प्लेस और टाइम से संबंधित कोई शब्द हो तो उनको हम परिवर्तन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस में चार से पांच परिवर्तन करके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एक सेंटेंस कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द फर्स्ट सेंटेंस, राहुल सेड टू मी आई एम रीडिंग ए बुक नाउ। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें तो सबसे पहले हमें सेड टू को बदलना है। राहुल सेड टू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टेड स्पीच का यहां सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव, तो हम इसको चेंज करेंगे टोल्ड में। तो राहुल टोल्ड मी, अब कंजक्शन हमें यहां लगाना है तो कंजक्शन भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। तो यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम कंजक्शन लगाएंगे दैट। फिर आता है आपका प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन, आई। तो आई, डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए 1 2 3 SON, ये फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन को आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो आई फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? राहुल। तो राहुल का प्रोनाउन होगा यहां पर ही। राहुल के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज लेंगे? ही। डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन चेंज करने के बाद आप देखें तो एम रीडिंग, यानी एम इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो यहां पर इज आर एम वर्ब के आईएनजी फॉर्म वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, जो कि हमने पार्ट फर्स्ट और सेकेंड के वीडियो में नियमों के अंतर्गत देखा था, तो यहां पर इज आर एम चेंज होगा वाज या वर्ब, तो ही के साथ आएगा वाज, और रीडिंग, फिर सेंटेंस एज इट इज, अब आ रहा है नाउ। तो डियर स्टूडेंट, नाउ एक टाइम से संबंधित यानी एडर ऑफ टाइम है जिसको हमें चेंज करना होता है, और ये भी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट टू वीडियो में हमने देखा कि नाउ को हमने किस में चेंज किया? देन। तो यहां हम लिखेंगे देन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार एक डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चार से पांच परिवर्तन करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो राहुल टोल्ड मी दैट ही वॉज रीडिंग ए बुक देन। नेक्स्ट, कुनाल सेड टू मी डू यू नो माई अंकल। तो सबसे पहले आप देख लें, कुनाल सेड को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है, तो हम यहां पर सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड मी। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां कंजक्शन लगेगा वो भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार, और ये इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, तो हम यहां कंजक्शन लगाएंगे इफ। डियर स्टूडेंट्स,
कंजक्शन लगाने के बाद का सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए। यदि अफर्मेटिव पहले से है तो हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो हमें कंजक्शन के बाद उस सेंटेंस को अफर्मेटिव बदलना या अफर्मेटिव में देखना होता है या बदलना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कंजक्शन हमने इफ लगा दिया, इसके बाद आप देखें तो सेंटेंस इंटरोगेटिव है, अब हमें इसको किस में चेंज करना है, अफर्मेटिव में। तो डियर स्टूडेंट्स, यह एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है और प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है डू प्लस वर्ब सब्जेक्ट, और अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम यहां पर यदि इस डू या डज को हटा दें तो हमारा वाक्य यू नो माई अंकल अफर्मेटिव बदल जाता है। तो अब यहां पर हम यू को चेंज करेंगे, ये हम यहां से हटा देते हैं। होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं किया जाता है। तो जब भी डू आए तो आप उस सेंटेंस में डू को हटा दो, वाक्य अफर्मेटिव बन जाएगा। यदि डज आए तो आप डज को हटाओ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग कर दो, आपका वाक्य अफर्मेटिव बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम डू हटा दें तो अब हमारा सेंटेंस हो गया यू नो माई अंकल, जो कि एक अफर्मेटिव हो गया है। अब इसको हम चेंज करेंगे, तो यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट। अब सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट आई, यानी आपको मी का प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मी यहां ऑब्जेक्ट के रूप में है, हमें यहां पर सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, तो हम यहां पर लिखेंगे आई। फिर नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, तो हम यहां लिखेंगे न्यू माई अंकल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें तो माई फर्स्ट पर्सन पजेसिव, फर्स्ट पर्सन पजेसिव, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर सब्जेक्ट हम देखें तो है कुनाल, और कुनाल का पजेसिव केस, यानी कुनाल यानी ही, तो ही का पजेसिव होता है हिज, तो हम यहां लिखेंगे हिज अंकल। अब आपको वहां पर पीछे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करना है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें जब भी सेंटेंस इंटरोगेटिव आए तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसे कंजक्शन लगाने के बाद अफर्मेटिव के रूप में देखना है, या अफर्मेटिव बनाकर इसको चेंज करना है, तो आपका सेंटेंस एकदम सही होगा। नेक्स्ट, हरी सेड टू रेनू, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखे हरी सेड टू रेनू, हरी ने रेनू से कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदार सर्वश्रेष्ठ नीति है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखें तो हरी टोल्ड, क्योंकि वाक्य अफर्मेटिव है, टोल्ड रेनू, हरी टोल्ड रेनू। अब आपको कंजक्शन का प्रयोग करना है, और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन आएगा दैट। फिर सेंटेंस ऑनेस्टी, यह एक नाउन है, कोई प्रोनाउन नहीं है, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे, ऑनेस्टी इज। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक प्रोवर्ब है और एक फैक्ट है, जिसको हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, और ये हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के इंट्रोडक्शन नियमों वाले वीडियो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने देखा कि चाहे भले ही सेट टू आया हुआ हो, लेकिन यदि यहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ प्रोवर्ब जैसे सेंटेंस या फैक्ट जैसे सेंटेंस हो तो इसका टेंस परिवर्तन नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम इज का इज ही रखेंगे, इज द बेस्ट पॉलिसी, और किसी प्रकार का इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, हरी सेड टू रेनू ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का इनडायरेक्ट स्पीच होगा, हरी टोल्ड रेनू दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट, कपिल सेड टू हिज फादर आई हैव लर्न दिस लेसन। तो कपिल अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेट को चेंज करेंगे टोल्ड हिज फादर, कपिल टोल्ड हिज फादर, कंजक्शन हम लगाएंगे दैट क्योंकि सेंटेंस है आपका अफर्मेटिव। डियर स्टूडेंट्स, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन आप देखें तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहां पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन कपिल, कपिल का सब्जेक्ट क्या होगा, प्रोनाउन क्या होगा, ही। तो यहां पर हमने आई को किस में चेंज किया, ही।
क्यों किया? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के रूप में है और आई यहां पर किसके लिए आया है? कपिल के लिए, यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का प्रोनाउन है आपका ही। इसके बाद हैव लर्न, डियर स्टूडेंट्स ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव को हम चेंज करते हैं हैड में, तो यहां पर हैव चेंज हो जाएगा हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी, दिस को आप चेंज करेंगे दैट लेसन। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार कपिल टोल्ड हिज फादर दैट ही हैड लर्न दैट लेसन। नेक्स्ट, अनु सेड टू मंजू, आई हैव बीन लिविंग इन जोधपुर फॉर 10 ईयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर अनु टोल्ड मंजू, डियर स्टूडेंट्स यहां पर आप देखें अनु टोल्ड मंजू, अब आपको कंजक्शन लगाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन लग जाएगा दैट आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहां पर अनु है तो अनु का हम प्रोनाउन लगाएंगे सी। इसके बाद आप देखें हैव बीन लिविंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, तो यहां पर हैज हैव को हम चेंज करेंगे हैड बीन लिविंग इन जोधपुर फॉर 10 ईयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने 5 सेंटेंस प्रेजेंट टेंस पर आधारित थे जिसको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखा। डियर स्टूडेंट्स कुछ 5 सेंटेंस हम और करते हैं। नंबर 6, रवि सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम देखें तो रवि सेड, किस जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है तो हम यहां पर सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड मी। अब आपको कंजक्शन लगाना है तो डियर स्टूडेंट्स जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो तो हमें जो WH वर्ड है वही कंजक्शन काम में लेना है, तो हम यहां पर वाट एक कंजक्शन के रूप में काम में लेंगे। अब आप वाट को कंजक्शन के रूप में काम में लेने के बाद देखें तो आर यू डूइंग दीज डेज आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रह जाता है, और डियर स्टूडेंट्स जब हेल्पिंग वर्ब पहले हो तो हम क्या करेंगे इसको अफर्मेटिव बनाएंगे, यानी इसको अब सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, तो अब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा यू आर डूइंग दीज डेज। अब हम चेंज करेंगे सबसे पहले यू को, तो यू आपका पर्सन है सेकेंड और सब्जेक्ट के रूप में, और सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर ऑब्जेक्ट है आपका मी, तो सेकेंड पर्सन चेंज होगा मी और मी का सब्जेक्ट है आपका आई। अब आर यू के बाद क्या रहा है आर, और आर डूइंग यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो हम इसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में, तो आई के साथ हम यूज करेंगे वाज डूइंग दीज को हम चेंज करेंगे दोज डेज। डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार के इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार से चेंज करेंगे रवि टोल्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग दोज डेज। नेक्स्ट अंजू सेड टू टीचर डज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। डियर स्टूडेंट्स यहां पर अंजू आस्क्ड टीचर इफ, अब कंजक्शन क्या आएगा इफ, क्यों? क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला है तो हम यह लगाएंगे इफ। अब यहां पर इसको हम चेंज कर देते हैं अफर्मेटिव में, डज मैंने बताया आपको जब डज आए तो डज को यहां से हटा दो और वर्ब के साथ एस लगा दो, तो ये हमने वर्ब के साथ लगा दिया एस, तो डज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो डियर स्टूडेंट अब इसको चेंज करें द अर्थ मूव्स को मूव्स ही रखेंगे, क्यों रखेंगे क्योंकि ये एक फैक्ट है जो प्रश्न के रूप में पूछा गया है अराउंड द सन। नेक्स्ट टीचर सेड टू स्टूडेंट व्हाट डू यू नो अबाउट टाइम। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स तो यहां पर टीचर व्हाट क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम चेंज इस सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में,
टीचर आस्क्ड स्टूडेंट, कंजक्शन डब्ल्यू एच वर्ड है तो वही हम कंजक्शन यहां लिखेंगे, व्हाट का व्हाट, यदि वाई है तो वाई, हु है तो हु। इसके बाद आपका सेंटेंस हो गया डू यू नो अबाउट टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स डू को हटा दो तो आपका वाक्य क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव, तो यू नो अबाउट टाइम। अब यहां पर यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट यहां पर स्टूडेंट है और स्टूडेंट्स एक वचन है तो हम यहां पर उसका प्रोनाउन लिखेंगे ही। यदि यहां पर स्टूडेंट्स होता, यदि प्लूरल फॉर्म होता तो हम यहां पर लिखते दे, तो यहां पर चूंकि एक वचन है तो हम ही का प्रयोग कर रहे हैं। नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहां पर हम इसको चेंज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे, अबाउट टाइम। नेक्स्ट, संजीव सेड टू मी, संजीव ने मुझसे कहा, हैव यू विजिटेड जंतर मंतर, क्या तुम जंतर मंतर भ्रमण पे आए हो या गए हो। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, आस्क्ड मी। अब हम यहां कंजक्शन लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब है तो हम लगाएंगे इफ। अब इफ के बाद सेंटेंस को क्या करना है, कंजक्शन लगाने के बाद अफर्मेटिव, तो यहां पर हैव को हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। अब अपना सेंटेंस हो गया यू हैव विजिटेड जंतर मंतर। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, मी ऑब्जेक्ट के अनुसार, और मी का सब्जेक्ट होगा आई, आई के साथ हैज या हैव चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा पास्ट परफेक्ट में, तो हैड विजिटेड जंतर मंतर। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार इस डायरेक्ट को हमने इसमें इनडायरेक्ट में चेंज किया है। लास्ट सेंटेंस, हरी सेड टू मी, राम इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर हरी मुझे बता रहा है तो हरी टोल्ड, क्योंकि सेंटेंस कैसा है अफर्मेटिव और नेगेटिव, यदि मान लो सेंटेंस नेगेटिव हो तो भी हम इसको टोल्ड में चेंज करेंगे, हरी टोल्ड मी कंजक्शन आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस होने के कारण दैट राम। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखे तो राम न तो फर्स्ट पर्सन है न सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एक नाम है और थर्ड पर्सन नो चेंज, यहां पर देखे तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो राम का हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, राम को राम के रूप में ही रखेंगे, राम इज। अब टेंस आपको जरूर परिवर्तन करना है, इज प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है जिसको हमें पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, तो वाज प्लेइंग क्रिकेट नाउ को हम चेंज करेंगे देन में। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने प्रेजेंट टेंस पर आधारित डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखा। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को धीरे धीरे समझ भी रहे होंगे। अगले वीडियो में हम पास्ट टेंस पर आधारित डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। थैंक यू।